वेटरन एक्टर दलीप ताहिल जी ने केक कटिंग करके मनाया उनका 78th बर्थडे। मीडिया से बातें करते वक्त दलीप जी ने उनके मम्मी पापा और बहन को काफ़ी याद किया। उन्होंने उनकी अपकमिंग फिल्म IB71 और तेलुगु फिल्म हरी हीरा वीरामल्लू के बारे में भी बातें की। दलीप जी ने पहले के दौर में बनने वाली फिल्में और अभी के दौर में बनने वाली फिल्मों के बारे में भी बातें की। आइए देखते हैं दलीप जी ने और क्या क्या कहा। हर किस्म के रंग ईश्वर की कृपा से आए हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको भी। मेरी शुरुआत असल में हो गई, आप लोगों से मिलने से पहले मेरी शुरुआत हो गई। मैंने पूजा की और मेरे मेरे स्वर्गीय माँ बाप को मैंने उनकी पूजा की, मैंने उनको धन्यवाद दी मैंने कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में मुझे इस धरती पे लाया। उन्होंने उनका उनको उनको थैंक यू बोला, उनको शुक्रगुजार हूँ मैं कि इतना सब दिया उन्होंने मुझे। आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जो भी हेल्थ है और जो भी मैं जितना भी मैंने हासिल किया है ज़िंदगी में वो उनकी मेहरबानी है और उनके उनका आशीर्वाद है। मैं अपनी बहन को भी आज बहुत याद कर रहा हूँ जिनका नाम है गीता थादानी। वो कुछ 4-5 महीने पहले वो गुजर गई, तो उनकी भी बहुत याद आ रही थी, परिवार की याद आ रही थी मुझे आज। और जब मेरा बेटा आया और मुझे पूछा कि आज क्या करने वाले हो, तो मैंने कहा मैं अपने जन्मदिन पे जो मेरा 70th बर्थडे है, आज मैं 70 साल का हूँ और ये सब मेरे माँ बाप की कृपा है, तो मैंने कहा मैं आज शांत से रहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक मेडिटेशन के कोर्स में जाऊँगा 7 बजे शाम को और फिर मुझे खाने पे बुलाया है। तो अभी बर्थडे का क्या है कि पहले बहुत धूमधाम होता था और वो फीलिंग होती थी कि सेलिब्रेट करें, और सेलिब्रेशन तो है ही तो वो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव, तो वो सोच में आज होती है कि मतलब इतने साल हो गए हैं और अभी भी मतलब अभी भी मैं काम कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से भी हेल्थ भी है फिलहाल अछूट, तो इन चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया है। सर, जिस तरीके से आपने माँ की, पिताजी की और दीदी की भी जिक्र की है, तो आपसे जानना चाहेंगे बचपन की वो यादें जो आज के दिन भी याद आई आपको। बस वही यादें आती है अभी इस समय, मतलब इस उम्र में बर्थडे तो यादों की बात होती है ना, यादें जो पुरानी यादें हैं वही आती है। और मैं अपनी बहन को बहुत याद कर रहा था क्योंकि हम बहुत शरारती होते थे और वो हमेशा मुझसे बड़ी थी तो हमेशा मुझे वो मतलब मैनिपुलेट करती थी और मुझे मतलब जो भी उनको करना चाहती थी वो मेरे थ्रू करती थी और लेकिन सज़ा उसको मिलती थी। तो हमारे बहुत खेल ऐसे ही बचती और वो सब जो पूरा जो इतने साल जो साथ में रहे और माँ बाप के साथ, तो वो सब यादें अभी भी बहुत ताज़ी हैं और बस वही रह गए हैं अभी जो यादें थी जो यादें हैं। साथ ही हम जन्मदिन के दिन देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं आती है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो हमने देखा आपके भी सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने आपको विशेस दिए हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक ऐसा विश या फिर एक ऐसा कमेंट जो आपको भी दिल में लाइक भाग गया है? मैं जब मुझे विशेस आते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं से भी, आई एम वेरी हम्बल्ड और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी मुझे वेल विशेस, जो जिन्होंने मुझे जन्मदिन के विशेस दिए हैं भेजे हैं, उनको मैं बहुत आभारी हूँ उनका और बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया है और मुझे ये विशेस दिए। उनके विशेस के ज़रिए ही हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट की यही है कि लोग हमें पसंद करें, पहचाने और हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचें, तो यही हमारी ज़िंदगी है।
मूवी आई थी जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा है। साथ ही आजकल जब ओटीटी का जमाना आ गया है, कंटेंट्स बहुत अलग अलग लोगों को देखना पसंद आता है। जहाँ 1 घंटे 2 घंटे की मूवीज होती थी, वो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मिल रही है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। वेल, आप इस बर्थडे पे क्या कुछ सरप्राइज सभी को देना? मेरी 2 फिल्में हैं जो आ रही हैं, लेकिन ये उल्टा है। मतलब ओटीटी पे सीरियल्स होते हैं तो लोग, लेकिन सिर्फ ओटीटी में फ़र्क ये है कि ओटीटी को, ओटीटी में आप तो है ही, वहाँ पर आप ऑफ कर सकते हैं। थिएटर में जब एक बार आप थिएटर के अंदर आ जाते हैं तो छोड़ के जाना मुश्किल होता है, आप जा नहीं सकते हैं, आप थिएटर में ही हैं। लेकिन ओटीटी का ये फ़ायदा भी है, क्योंकि अगर जिन लोग, जो लोग काम करते, मैं कहते आया हूँ कि ओटीटी का मतलब परिवारों पर और घर और जो व्यूइंग पब्लिक है, जो कॉन्टेंट देख रहे हैं, उन पर बहुत बहुत फ़ायदा है। क्योंकि आप ऑफ भी कर सकते हैं उसे, अपना काम करके नेक्स्ट डे आप पकड़ भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, सिर्फ बटन ऑन ऑफ करने का है। लेकिन मैं ये, मेरा ये विश्वास है कि सभी, क्योंकि भारत में हम भाग्यशाली हैं कि मतलब खुशकिस्मत है कि इतनी पब्लिक है, वो टीवी भी देखते हैं, ऑडियो मतलब अपना ओटीटी भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं। तो हमारा क्या है कि ऑल दीज मीडियम्स विल कोएग्जिस्ट, सबका अपनी सबकी अपनी अपनी जगह होगी। और हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो रहा है अभी लॉकडाउन के बाद और पैंडेमिक के बाद, लेकिन सब अपना, जैसे पानी अपना लेवल ढूंढता है ना, सब अपने लेवल पे आ जाएंगे। मेरी 2 फिल्में आ रही हैं, एक है IB71 जो मेरे ख्याल से शायद वो विद्युत जम्वाल के साथ है, बहुत अजीब और बहुत बहुत बढ़िया कैरेक्टर है मेरा, मैं आपको उससे ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है कि आप कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। पुराने ज़माने में सब बता देते थे, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, गेटअप वेटअप सब हो जाता है। अब वो हम नहीं कर सकते। वो IB71 आ रही है। और एक मेरी तेलुगु फिल्म है, उसका नाम है हरी हीरा वीरमल्लु, जो अपने जो तेलुगु के सुपरस्टार है पवन कल्याण जी, उनके साथ है, उनके डायरेक्टर है क्रिश। तो ये फिल्म मेरी आने वाली है और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं साउथ में काम करना चाहता हूँ। मैं साउथ, पहले भी मैंने काम की साउथ में, मेरी पहली फिल्म थी साउथ में मलयालम फिल्म माय डियर कुट्टी चातन, जो बहुत पहले आई थी और इंडिया की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, 3D की पहली फिल्म थी इंडिया में। तो अभी मुझे तेलुगु में बुलाया गया इस फिल्म के लिए, हरीरा वीरमल्लु, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में आपके मनोरंजन के लिए मतलब बहुत बढ़िया रहेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, सब देखेगा जरूर। सर, साथ ही ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी बहुत सारे किरदार निभाए हैं और उस समय के फिल्म्स को बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे, कुछ ना कुछ थॉट्स या फिर कुछ ना कुछ मैसेजेस वो देते थे, लेकिन आजकल की फिल्म वाकई बहुत डिफरेंट होती है। कुछ फिल्म ऐसे होती है कि जो परिवार के साथ नहीं देख सकता है, कुछ फिल्म जैसे होती है कि लाइक देख भी सकते हैं। बिशुम बिशुम ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि हर पीढ़ी, हर सोसाइटी, हर जनरेशन से कंटेंट बदलते जाता है। ये नहीं कि पहले फिल्मों में कंटेंट नहीं था, आजकल एक मंत्रा बन गया कि भैया हम कंटेंट की फिल्म बनाएंगे। ऐसे कि मतलब पहले कंटेंट नहीं हुआ करता। मैं आपको इतनी लंबी लिस्ट दे सकता हूँ पुरानी फिल्मों की जो कॉन्टेंट ही था उसमें। आप कहेंगे मदर इंडिया में कॉन्टेंट नहीं था, मुगले आजम में कॉन्टेंट नहीं था, दीवार, जंजीर, कितनी फिल्में, मैं आपका कितनी फिल्मों का मिसाल दूँ मैं। कंटेंट हर फिल्म में होता है और हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर राइटर चाहता है कि हम जो समाज और जो सोसाइटी उस टाइम पर है और जो मतलब जो उस जेनरेशन की जो ख्याल है, जो उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसी हिसाब से कंटेंट बनता है। अब पुरानी फिल्मों का था कि पार्टीशन, बंटवारा हुआ था, उस समय जो मैसेज था वो अलग था। अब 70 साल हो गए हैं, 75 साल होने के आ रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, तो लोगों के ख्याल बदलते हैं। मिडिल क्लास जो है, जो अभी जो लोग पिक्चर देख रहे हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, जो वो देखना चाहते हैं, वो ही बदल गया। तो उसके हिसाब से कंटेंट बनता है। तो ये, दिस इज़ एन एवोल्यूशन, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और होना भी चाहिए कि आप अभी एक पुरानी फिल्म दिखाएंगे किसी को अभी 2022 में, तो जाहिर है वो कहेंगे यार ये तो पुराने ख्याल आते हैं, पुराने थॉट्स हैं। आजकल के मतलब कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, लोगों का मतलब पूरा माहौल बदल गया है। तो उसी हिसाब से कंटेंट बनता है।
और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे हर फिल्म में हम कंटेंट की डालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये लव्स जो अभी हमारे इंडस्ट्री में कई बार होते हैं, एक मंत्र हो जाता है ना, कंटेंट सर, मुझे कंटेंट चाहिए। अरे भैया, कंटेंट के बगैर आप क्या पिक्चर दिखाएंगे? आप पिक्चर दिखाएंगे, कंटेंट तो होना ज़रूरी है। खैर, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, क्योंकि थोड़े से रियलिस्टिक फिल्म्स बन रही हैं, वो भी बन रहे हैं। OTT के आने के बाद ऐसे सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं जो मतलब एवरीडे लाइफ के हैं, जो लोग एसोसिएट कर सकते हैं, उससे भी लोग और भी देखना चाहते हैं, फिल्मों में आते हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी कि साउथ की फिल्में, वो तो सब कंटेंट, मतलब वो तो सब लार्जर देन लाइफ फिल्म्स हैं, मतलब दे आर माइथोलॉजिकल्स, उसमें स्पेशल इफेक्ट्स क्या हैं। तो वो तो मतलब अभी हमारी निजी जिंदगी ऐसे थोड़ी जीते हम, तो हर किस्म का कंटेंट अलग होता है। और पॉइंट ये है कि जो भी आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, आप उसे ईमानदारी से और इंटेग्रिटी से अगर आप बनाएंगे और दिखाएंगे, तो यूजली पिक्चर चलनी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि आपकी एक नई मूवी आने वाली है, विच इज इन तमिल। सो जैसे कि अभी कांतारा जो मूवी आई थी, वो भी रीजनल लैंग्वेज में आई थी, लेकिन डिमांड की वजह से उन्होंने हिंदी में भी वो मूवी डब की है। सो अगर आपकी मूवी को भी अगर डब करने का अगर मौका मिलता है, तो क्या होगी मूवी? हां, डबिंग तो पहले से भी एक्सक्यूज मी, देखो डबिंग से तो बहुत पहले से हो रहा है, मतलब हर लैंग्वेज में डबिंग हुआ करती है। एडवर्टाइजिंग फिल्म्स भी हो, फीचर फिल्म भी हो, वो हर लैंग्वेज में डब होती थी, तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज में। अभी क्या हुआ है कि, और मैंने कभी नहीं माना है कि लैंग्वेज कभी भी एक बैरियर है। सिनेमा का लैंग्वेज अलग है, सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, वो एक जिस तरीके से कहानी बताए, वो लैंग्वेज का कुछ नहीं है। आप ये तो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिससे हम थोड़ा बहुत मतलब इतना तो है कि हमारे देश में है ये लैंग्वेज। मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोरियन फिल्म्स आती हैं, इटालियन फिल्म्स आते हैं, वो डब करके आते हैं, इतनी बढ़िया फिल्में होती हैं, लोग देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहानी कहानी होती। सिनेमा का लैंग्वेज अलग है, जो भाषा है जो आप बोल रहे हैं उसको डब कर सकते हैं आप, सब टाइटल डाल सकते हैं। अगर आपने अच्छी पिक्चर बनाई है तो पूरी दुनिया आज देख सकती है। हिंदी और तमिल और या तेलुगु की डबिंग आप बात करें, मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्में तो हर फॉरेन लैंग्वेज में भी, जर्मन, इटालियन और स्पेनिश में भी डब होती है, और वहाँ भी लोगों को मज़ा आता है। तो लैंग्वेज जो सिनेमा का लैंग्वेज है ना, वो भाषा में नहीं है, मतलब वो स्पोकन वर्ड में नहीं है, वो है सिनेमैटिक लैंग्वेज। और वो अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और मतलब कहानी अच्छी, जो भी होता है, आप कंटेंट आपका अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, चाहे कोई भी भाषा। अभी आपने जिक्र किया कि मैंने बहुत पहले एक तमिल मूवी में काम किया था जो कि बहुत हिट गई थी और एक बार फिर से करने वाला हूं। कोई इच्छा जो अब तक आपकी नहीं हुई और आप करना पसंद करेंगे तो बताना चाहेंगे? ऐसे तो काम मिलते ही रहता है, लेकिन वो उस अभी लोग कह रहे हैं कि साउथ की फिल्में बहुत बड़ी हिट हो रही। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, मैंने एक फिल्म की थी 1984-85 में, उससे भी पहले, माय डियर कुट्टी चातन। ये छोटी पिक्चर थी, इंडिया की फर्स्ट 3D पिक्चर जो मलयालम में बनी थी, और केरला का टेरिटरी इतना छोटा है, और ये पिक्चर ओवर बजट हो गई। तो प्रोड्यूसर ने मुझे एक दिन कहा कि ये पिक्चर, मुझे पता नहीं कैसे मुझे रिटर्न कैसे आएगा, ये पिक्चर ओवर बजट हो गई है। माय डियर कुट्टी चातन, जिसको बोलते हैं हेलो माय डियर कुट्टी चातन, इंडिया के और बाहर के हर लैंग्वेज में डब की गई थी। 84 की बात कर रहा हूं मैं, कुछ 40 साल पहले हर लैंग्वेज में डब की गई थी, क्योंकि पिक्चर हिट थी। हिंदी में चली, तमिल में चली, तेलुगु में चली, मलयालम में तो खैर बनी हुई थी, अंग्रेजी में चली, ऐसा कोई मतलब लैंग्वेज नहीं था जिसमें नहीं चली। तो मतलब अभी इसे यही मैं कह रहा हूँ कि सिनेमैटिक लैंग्वेज होता है, उसका कोई बैरियर नहीं है। अंग्रेजी फिल्में हैं, कई फिल्में हैं, कहीं से भी बनती हैं, तो उनका कोई वो पाबंदी नहीं है कि भाषा किसी सिनेमा को कंट्रोल करता है। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी लैंग्वेज में फिल्म बनाइए,
आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आपकी पिक्चर अच्छी हो तो खुद ही लोग डब करेंगे, आप सबटाइटल डाल दीजिए। कौन सा मेरा ख्वाब? मेरे बहुत ख्वाब है जो पूरे नहीं हुए, बाकी तो मैं रुका हूँ कि भैया मेरे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन कुछ पूरे हो गए, बहुत बहुत बाकी है। ये मैं मजाक कर रहा हूँ अभी, मैं मुझे अभी बहुत ही, ये बहुत ही मतलब कठिन प्रश्न है कि मेरे ख्वाब क्या है, बहुत किस्म के ख्वाब हैं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जो मुझे मिला है मैं बहुत खुश हूँ उससे। हाँ, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे और नहीं चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और काम करूँ और भी चीज़ें चाहिए, कुछ ख्वाब भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि जी मैं ये बन जाऊँगा या ये होगा। अभी क्या है कि मैं जो मुझे काम मिलता, मेरी फिलॉसफी यही रही है कि कुछ भी काम मुझे मिलता है, छोटा भी हो, मैं वो इनाम का नहीं सोचता हूँ कि इसका रिवॉर्ड क्या होगा, कि क्या होगा, ट्रॉफी मिलेगी या मतलब अवार्ड मिलेंगे, ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। जो काम, और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आप एक्टर हो या कोई भी हो, जो भी काम आपके सामने हो, जो भी काम आपको करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे 100% और पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करो और तरक्की तुम्हारे चरण छुएगी। सरप्राइजिंग बर्थडे सारे मतलब बर्थडे तो मेमोरेबली होते हैं, मतलब लोग आते हैं विश करते हैं, ऐसा कोई ऐसा एक बर्थडे नहीं है जो मैं आप सॉरी मैं आपको कह सकता हूँ कि फलाने बर्थडे पे ये सरप्राइज हुआ। हर बर्थडे अच्छा है, खुशी होती है कि भाई इस दुनिया में मुझे लाने वाले मेरे माँ बाप, उनको उनकी मैं मतलब उनका जैसे मैंने कहा पहले उनका मैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनकी वजह से मैं हूँ। तो I don't know यार, this is you know, sorry. Well, इतने सारे pictures अब तक के सभी इतने hit गए हैं और सभी अलग-अलग किरदार आपने निभाए हैं और बहुत से actor और actress के साथ काम किया, लेकिन एक कोई ऐसा जो अगर आपको फिर से करने का मौका मिला और आप करना पसंद करेंगे? ये तो impossible question है, मतलब कि बहुत लोगों से, मतलब अगर मुझे दोबारा किसी से काम करना है, अगर किसी फिल्म का कैरेक्टर मुझे रिलिव करना है, मैं तो हमेशा पिक्चर के बाद बोलता हूँ कि यार अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं ऐसे थोड़ा सा अलग करता या इसके ऐसे नहीं करता वैसे करता। तो ये हमारी इच्छा हमेशा होती है एक्टरों में कि यार एक बार और मुझे ये रोल करने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो होता नहीं है, एक बार पिक्चर बन जाती तो जाती। तो मैं अभी एक्सपीरियंस से जैसे आगे बढ़ते हैं, मैं हर किरदार में वही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये पिक्चर खत्म होने के बाद मैं ये नहीं बोलूं कि यार अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं इस तरीके से करता। Well, sir, last year, Thank you so much, मेरे जितने भी चाहने वाले हों जिन्होंने मुझे इतने सालों से प्यार और मोहब्बत और मुझे स्नेह दिया है, मैं आप सबका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे जाके भी मैं आपको खुश रखूं, आप मेरी फिल्में देखें और मेरा काम देखें, बस यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे इस जन्मदिन पे, मैं आपको सब शुक्रिया अदा करता हूँ।